नमस्कार दोस्तों, एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ है महाप्रजनन वशीकरण टूट का बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप दुनिया के किसी भी स्त्री पुरुष को वश में कर सकते हैं। बस बात नहीं है कि वह या तो आपसे प्रेम करता होना चाहिए या उससे प्रेम करते हैं, आप उसे जानते हो और उसकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना देखे आप किसी को वश में करना चाहते, बिना अनजाने किसी को करना चाहते, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ही सरल रोड का है, विधियाँ बहुत सी बताएंगी वशीकरण से, लेकिन हर कोई उसमें कामयाब हो पाए ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के काल दोष व कुंडली दोष अलग अलग होते हैं। विधि बताने से पहले मैं कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके के मंत्र बता पाए। करना क्या है आपको, इस कार्य को आप सोमवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन लगातार करना है। आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, रात्रि में आप 8 बजे के बाद कर सकते हैं। आपको लकड़ी का फट्टा चाहिए, सर्वप्रथम इस बात का खास करके नीचे नहीं करना, आसन लगा लें ताकि आप भी उस पर बैठ सके, आपका भी कोई अंग शरीर जमीन पे न लगे, धरती पे न लगे। और आपको एक लकड़ी का फट्टा, अब इसके ऊपर एक शुद्ध जल छिड़क के आप इसे अपने कपड़े से इसे साफ करना है। सर्वप्रथम अच्छे से इसे अपने कपड़े से साफ कर लें, और साफ करने के बाद आपको जो अन्य सामग्री चाहिए वह चाहिए 4 से 5 कैंडल पीले रंग की। अगर पीले रंग की आपके पास कैंडल नहीं है तो आप इसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं, पीले कलर की पन्नी लगा सकते हैं, रंग लगा सकते हैं, ताकि इन्हें पीले कलर के कर लें। 5 फूल आपको पीले रंग के चाहिए और उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, और जिन पास फ़ोटो नहीं है मोबाइल में है तो आप मोबाइल में, अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं आसानी से उन्हें क्लियरली, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आँखें बंद करके देख सकते हैं, तो आप तभी। आपको सर्वप्रथम अपने लेफ्ट हाथ यानी बाएँ हाथ की तरफ से आपको इन कैंडलों को जचाना है, इस तरीके से देख लीजिए। मैं कैंडल इसके अंदर जलानी भी है लेकिन जलाकर नहीं दिखाऊंगा, ताकि कैमरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। इस तरीके से आपको दाएं से बाएं और इस तरीके से सेट करनी है मोमबत्तियों को, कैंडल को। लेकिन मैंने पहले ही बता देता हूँ आपको जलाना है, लेकिन मैं जलाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कैमरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव। और फिर आपको एक एक फूल इस तरीके से जिस दिशा में इनकी छांव है उस दिशा में आपको इन्हें रख देना है, इन फूलों को, ठीक है, इन फूलों को इसके नीचे ही रखना है। और उसके बाद आपको एक तस्वीर रखनी है उसकी, और उसके ऊपर आपको एक पीला फूल रख देना है, ठीक है, पीला फूल रख दें। और आपको शुद्ध गंगा जल चाहिए, शुद्ध गंगा जल कहीं भी पवित्र स्थान का आप जल ले सकते हो। उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली, ठीक है, रिंग फिगर से आपको इसके ऊपर 4 से 5 बूंदे इसके सर के ऊपर आपको गिरनी है, और फिर से उसका नाम लेना है, 5 बार 5 बूंदे गिर के आपको उसका नाम लेना है, और फिर इस तरीके से बोलना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे इसी तरीके से आपको दोहराना है। हे अमोघ वशीकरण शक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी असीम शक्ति व प्रचंड प्रयोग के द्वारा मेरे प्यार को मेरे हक में लाइए, वह भी मुझे प्रेम करे, कृपया उसके दिल में मेरे प्रति प्रेम जगाइए। इसके लिए मैं आपको इस विधि के द्वारा एक आहुति विभेद प्रदान कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्यार मेरे वश में रहे और केवल केवल मुझे प्यार करे, और इस संसार में जितना प्यार मैं उससे करता हूँ शायद ही कोई करता होगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ हे अमोघ शक्ति वह भी मुझसे उतना ही प्यार करे। इस तरीके से बोल के आपको एक मंत्र का 101 बार उच्चारण करना। मंत्र इस तरीके है, ओम सर्व स्त्री सर्व पुरुष वशीकरणी श्री ही स्वा। मंत्र में एक बार फिर से बोलें, ओम सर्व स्त्री सर्व पुरुष वशीकरणी श्री ही स्वा। इस मंत्र का 101 बार ही उच्चारण करना है, 101 बार आपको लगातार 3 दिन इस कार्य को करूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे चुटकियों में आपका प्यार आपका होकर रहेगा, और इसे कोई भी नहीं रख सकता, किसी भी स्त्री पुरुष को आसानी से आप वश में कर सकते हैं। उसके बाद इस तस्वीर को आप हमेशा अपने पास रखें, और बाकी के सामान को आप किसी मंदिर चर्च में जाकर चढ़ा सकते हैं, अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप पीपल की जड़ों में, अन्यथा आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। 3 दिन लगातार आपको इस कार्य को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी का भी अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, या बहुत से प्रयोग करने के बाद भी आपको कोई हल नहीं मिलता, तो आप अपने अच्छे शास्त्री से किसी से गुरु से पहले सर्वप्रथम गुरु बनाएं, गुरु धारण करें और अपनी कुंडली को चेक कराएं, ताकि आपको उत्तम समाधान मिल सके। इसके साथ आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।